हम सब ने ज्यादातर नाजियों के डॉक्टर जोसेफ मेंजेले के मनुष्यों पर भयानक क्रूर प्रयोगों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन नाजी मनुष्यों पर क्रूर प्रयोग करने वाले अकेले नहीं थे। एम्पीरियल जापानीज आर्मी भी भयानक कदम उठा चुकी है। जापान के अमर्याद कौर्य का वर्णन किए बगैर रासायनिक एवं जैविक युद्ध का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। जापान की चीन से दुश्मनी ऐतिहासिक है। जापान ने चीन पर 1932 में जैविक हमला किया था, जिसमें एक हवाई जहाज से प्लेग के विषाणु छोड़े गए थे। गवाहों ने बताया था कि किस तरह पूरी चीन के गांव के ऊपर जापानीज विमानों ने कीटों और गेहूं के दानों का छिड़काव किया था और कुछ ही दिन बाद इलाके में प्लेग फैल गया था। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर जापान द्वारा बनाया गया यूनिट नंबर 731 क्या था। यूनिट नंबर 731 देखने सुनने में लगता है कि ये किसी पल्टन ग्रुप या कोई कमरा नंबर वगैरह हो, लेकिन 731 से जुड़े हैं ऐसी भयानक यादें जिसके पढ़ने सुनने और महसूस करने के बाद आपको लगेगा कि समाज में इंसान ऐसी हैवानियत भी करते हैं जो मानवता को कलंकित कर देता है। हजारों मासूमों को युद्ध जीतने और विज्ञान के विकास के नाम पर बलि चढ़ा दी गई। ये विचारों के वर्चस्व की लड़ाई थी। जापानी सेना ने हैजा और प्लेग फैलाकर 3000 चीनियों की जान ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, यानी 6 साल 1 दिन। इस युद्ध के दौरान एक और युद्ध चल रहा था जिसका नाम था द्वितीय चीन और जापान युद्ध। द्वितीय चीन जापान युद्ध का काल 1937 से 1945 तक। पहला चीन जापान युद्ध 1894 से 95 के दौरान चीन और जापान के मध्य कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैन्य नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था। जापान की मेइजी सेना इसमें विजयी हुई थी और युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया, मंचूरिया तथा ताइवान का नियंत्रण जापान के हाथ में चला गया। इस युद्ध में हारने के कारण चीन को जापान के आधुनिकरण का लाभ समझ में आया और बाद में चिंग राजवंश के खिलाफ 1911 में क्रांति हुई। द्वितीय चीन जापान युद्ध चीन तथा जापान के बीच 1937 से 1945 के बीच लड़ा गया था। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिरने के साथ ही जापान ने समर्पण कर दिया और युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मंचूरिया तथा ताइवान चीन को वापस सौंप दिए गए, जिसे जापान ने प्रथम चीन जापान युद्ध में उससे लिया था। 1941 तक चीन इसमें अकेला रहा। 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर किए गए आक्रमण के बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध का अंग बन गया। इसी मध्य मानव समाज पर भी एक बदनुमा दाग लग गया जो कि जापान सेना ने लगाया। यूनिट 731 जैविक और रासायनिक युद्ध अनुसंधान और विकास के लिए बनाई गई एक गुप्त इकाई थी। यूनिट 731 को शाही जापानी सेना ने बनाया, जिसमें इंसानों पर घातक जानलेवा परीक्षण किए जाते। मानवों पर हैवानियत भरी ये दास्तान चीन और जापान के दूसरे युद्ध के दौरान घटित हुई। इसके बाद जापान को इस यूनिट ने पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। यूनिट 731 जापान के राज्य मंचूरिया में थी। मंचूरिया जापान का सबसे बड़ा राज्य था, जो अब पूर्वोत्तर चीन में है। यूनिट 731 मंचूरिया राज्य की हार्बिन जिले में स्थित थी। इस यूनिट का आधिकारिक नाम था महामारी निवारण यानी एपिडेमिक प्रिवेंशन और जल शुद्धिकरण विभाग यानी वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। ये सभी कावांगटंग सेना के अधीन थे। यूनिट मूल रूप से जापान साम्राज्य की कैंपेटाई सैन्य पुलिस ने गठित की। यूनिट के शुरू और युद्ध खत्म होने तक इस पर जनरल शिरो इशी ने ही नियंत्रण रखा। शिरो इशी कावांगटंग सेना का अधिकारी था। शिरो इशी एक सीनियर सर्जन था। इशी ने 9 फरवरी 1939 को टोक्यो के युद्ध मंत्रालय के ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हॉल में जीवाणु विज्ञान पर एक लेक्चर दिया था। इशी का भाषण याशुहितो शिशिबुन ने भी सुना। याशुहितो हिरोहितो का भाई था। इशी की कावांगटंग सेना के जैविक युद्ध सेक्शन का चीफ नियुक्त किया गया। इसके बाद इशी ने टाउन प्लेग, हैजा, चेचक, बोटुलिज्म, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों को बनाने के लिए रिसर्च शुरू किया। जैविक और रासायनिक युद्ध और हथियारों के प्रयोग के लिए पुरुष, महिला, बच्चे
शिशुओं की परवाह किए बिना सबको निशाना बनाया गया, यानी सभी पर परीक्षण किए गए। विभिन्न ठिकानों पर प्लेग, पिस्सू, संक्रमित वस्त्र और संक्रमित सामग्री युक्त बम गिराए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले हैजा, एंथ्रेक्स और प्लेग से लगभग 4 लाख चीनी नागरिकों के मारे जाने का अनुमान था। हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले रोगों में एंथ्रेक्स, इबोला, मारबर्ग, प्लेग, हैजा, ट्यूलेरेमिया, ब्रुसिलोसिस, क्यू बुखार, माचुपो, मेलियोडोसिस, सिगेला, शुक्रोग, जापानी बी इंसेफेलाइटिस, रिफ्ट वैली बुखार, पीला बुखार और चेचक शामिल था। शरीर का चीर फाड़ भी किया जाता था। चीनी बंदियों को पहले जीवाणुओं से संक्रमित किया जाता था, फिर प्रभावों के अध्ययन के लिए चिकित्सक उन्हें जिंदा ही काट डालते थे। 3,000 से 2.5 लाख के बीच मर्द, औरतों और बच्चों पर जैविक प्रयोग हुए और इसके लिए हर साल लगभग 600 लोगों को जापानी सेना उपलब्ध कराती थी। यूनिट 731 में जिन लोगों पर प्रयोग होते वो ज्यादातर चाइनीज, कोरियंस और मंगोलियंस थे, जिसमें 70% जो पिंगफेंग कैंप में मरे वे सभी चाइनीज थे, जिसमें वो नागरिक और सैन्य लोग शामिल थे। वहीं 30% लोग रूस के थे। ज्यादातर कैदियों का अनुसंधान प्रयोग विकास के नाम पर कत्लोगारत कर दिया गया, जिसमें वो वीवी सेक्शन का भी इस्तेमाल करते थे। कैदियों को इंसान की तरह इस्तेमाल में नहीं लिया जाता था, यानी उन लोगों को एक रोगी की तरह नहीं समझा जाता था, बल्कि मारुटा लॉग बोला जाता था। जापान की सरकार से ऐसे प्रयोगों के लिए पूरा समर्थन हासिल था। ईशी वैज्ञानिक ने ये सब कुछ सम्राट हीरोहितो की जानकारी में उन्हीं के आदेश पर किया था। सरकार का हुक्म ईशी ने बखूबी निभाया। ईशी को मनुष्यों के शरीर पर प्रयोग करने के लिए जापानी सेना का 4th श्रेणी का ऑर्डर ऑफ द गोल्ड काइट पुरस्कार भी दिया गया। जापान के आत्मसमर्पण के पहले यूनिट 731 और प्रयोगशालाएं नष्ट कर दी गईं। और भी सबूत बाकी ना बचा और जो 400 कैदी बचे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, और जो कर्मचारी बचे उन्हें गोपनीयता की कसम खिलाई गई, और कुछ लोगों ने इस अमानवीय अपराध को कबूल कर लिया। कुछ वैज्ञानिकों को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में विज्ञान के क्षेत्र में ऊंचे पद मिल गए, जिसमें योशिमोरा और ईशो भी शामिल था। युद्धोपरांत ईशो को दंडित करने के स्थान पर अमेरिका ने उसे विश्वविद्यालय में पढ़ाने और शोध कार्य के काम पर लगाया गया। ये इसलिए कि अमेरिका को उसका शोध कार्य चाहिए था। इसी युद्ध में जैविक युद्ध संबंधित कुछ कागजात रशिया के भी हाथ लग गए थे, जिसका लाभ उसने भी अपने जैविक युद्ध कार्य को आगे बढ़ाने में किया। लगभग 70 साल के बाद भी किसी को कोई मुआवजा तक नहीं मिला। 2002 में सरकार ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जैविक हथियारों का प्रयोग किया था, लेकिन मुआवजा देने से इनकार कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जैविक हथियार बनाने की होड़ जारी है। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।